नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था आर्थिक समृद्धि और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता से भी संबंधित है। देखो दोस्तों, क्या था जो आर्थिक समृद्धि थी उसमें क्या था, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती थी। इस कारण हम कह सकते थे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। अगर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। अगला पॉइंट है, अगर जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जीवन की गुणवत्ता मैंने आपको बताया कि जीवन की गुणवत्ता में मूलभूत जो हमारे जीवन यापन करने के तत्व है वो है स्वास्थ्य पहला, अगर दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पोषण स्तर, चौथा है जीवन की प्रत्याशा। ये चारों जो हमारे जीवन की गुणवत्ता में जुड़े हुए अंग है, अगर ये सही है तो हमारे जीवन की गुणवत्ता सही है और हमारे जीवन की गुणवत्ता सही है और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जीडीपी जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। दोस्तों, किसी भी देश के नागरिक की जीवन की गुणवत्ता कैसे डेवलप हो सकती है, वो एक माध्यम से हो सकती है कि अगर हम उस देश के जो मूलभूत रोजगार हैं अर्थात बेरोजगारी खत्म करके प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार पहुंचता है, मतलब बेरोजगारी खत्म करके प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार पहुंचता है, उस दौरान क्या होगा, जो उस लाइन में सबसे ऊपर होगा, जो उसमें जो सबसे बड़ा मालिक होगा किसी भी रोजगार में, वो पैसा देगा और वो रिश्ता 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 सबसे नीचे काम करने वाले श्रमिक तक पहुंचेगा। तो उसके पास पैसा आ रहा है तो क्या है, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। पैसा आ रहा है, उसको काम मिल रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, तो क्या होगा, उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। और उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर किसी देश के कुछ परसेंट लोग उद्योगपति बहुत अमीर 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 होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं उसी देश की मतलब जो गरीब जनता है, जो श्रमिक लोग हैं, उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वो जीवन से हताश हो चुके हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं किसी रोजगार के माध्यम से उन तक पैसा पहुंचाते हैं तो देश का विकास होगा, देश के अंदर आर्थिक डेवलपमेंट होगा। अब अगला जो पॉइंट है, आर्थिक विकास को हम संक्षेप में क्या किस तरीके से परिभाषित करेंगे। आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय उत्पाद, आर्थिक समृद्धि में क्या था, आर्थिक समृद्धि में था उत्पादन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और यहाँ क्या है, जीवन की गुणवत्ता यानी प्रोडक्शन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। अगला जो पॉइंट है इसका, आर्थिक विकास से संबंधित है, आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है, आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है अर्थात क्वालिटेटिव चेंज होता है। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव होता है। तो क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास किस प्रकार का परिवर्तन है, क्वालिटेटिव और आर्थिक विकास जो है इसका इनमें से कौन सा गुण नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव। आर्थिक विकास जो है वो व्यक्तिनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव वस्तु पे काम करता है, जबकि आर्थिक समृद्धि ऑब्जेक्टिव वस्तु पे काम करती है, और आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन पर काम करता है, जबकि आर्थिक समृद्धि किस पर काम करती है,
आर्थिक समृद्धि, क्वांटिटी परिमाण मात्रा पर कार्य करती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।